कवर्ड एरिया, ओपन एरिया, प्लिंथ एरिया, कारपेट एरिया, बिल्ट अप एरिया और कॉमन एरिया, ये नाम तो आपने सुने ही होंगे। अगर नहीं तो घबराइए मत, अभी बस कुछ ही सेकंड बाद आप सभी से अवगत होने वाले हैं। हेलो फ्रेंड्स, इस चैनल में आपका स्वागत है, आशा है आप सभी वहाँ स्वस्थ होंगे। दोस्तों, थंबनेल देखकर और पढ़कर आप समझ ही गए होंगे कि आज की इस वीडियो का टॉपिक कितने काम का है। महत्वपूर्ण होने के साथ साथ यह टॉपिक कभी न कभी और किसी न किसी रूप में हमारे सामने आता भी है। वीडियो में एरिया से संबंधित सभी पहलुओं पर बात करने की कोशिश की गई है, इस वजह से वीडियो थोड़ी लंबी जरूर होगी क्योंकि यह टॉपिक ही इतना महत्वपूर्ण है। दोस्तों, जैसा आप जानते होंगे कि जब भी कोई घर, फ्लैट या कोई फ्लोर खरीदने जाते हैं तो पता चलता है कि उसकी कीमत का सही आकलन इन्हीं एरियाज के जरिए किया जा सकता है। इस बारे में सही नतीजे पाने के लिए हमें इन्हीं एरियाज से होकर गुजरना पड़ता है, जो सही भी है। ऐसे में जरूरी होता है इन एरियाज पर बुनियादी जानकारी होना, ताकि सही या गलत का आकलन आसानी से किया जा सके। आज की इस वीडियो में हम इन्हीं एरियाज पर बात करेंगे और जानेंगे कि इसे इतने अलग अलग नाम क्यों दिए गए हैं और इनके क्या मायने हैं। तो आप इस वीडियो में आखिर तक बने रहें, और आप में से जो भी लोग इस चैनल से अभी नए जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और आगे जो बेल आइकन है उसे जरूर प्रेस करें, ताकि इस चैनल पर अपलोड की जाने वाली सभी वीडियोज का नोटिफिकेशन आपको भी मिलता रहे। तो आइए शुरू करते हैं और बढ़ते हैं मेन टॉपिक की तरफ। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं कॉमन एरियाज पर। जैसा कि नाम से ही साफ हो जाता है कि यह एरिया यानी कि कॉमन एरिया किसी व्यक्ति विशेष अथवा किसी विशेष अथवा निश्चित फ्लैट या फ्लोर के लिए ना होकर सभी जरूरी सेवाओं के लिए, वहां के निवासियों के आवागमन के लिए और निवासियों को आवश्यक सेवा प्रदाता और अन्य सभी कॉमन एक्टिविटीज के लिए बनाया जाना अनिवार्य होता है, जिसके निर्माण, सौंदर्यीकरण और उस पर मौजूद सभी सुविधाओं में आई लागत वहां बने सभी घरों को बराबर बराबर वहन करना होता है। इस एरिया का एक हिस्सा भी घर का बताए गए कुल एरिया में शामिल होता है। ऐसा ही कुछ चीजें आप कॉमन एरिया से संबंधित इस नक्शे में देख पा रहे होंगे, जिनका एरिया भी हमें मालूम होना चाहिए। अब बात करते हैं कवर्ड एरिया, प्लिंथ एरिया और बिल्ट अप एरिया पर। यहां भी ये नाम अपने आप में बहुत कुछ बयां कर रहे हैं। जैसे कि कवर्ड एरिया यानी कि ढका हुआ एरिया, मतलब यह कि किसी घर को चारों ओर से ढकी हुई दीवारों के बाहरी हिस्से तक का एरिया, जैसा आप इस नक्शे में देख पा रहे होंगे। घर की सर्विसेज के लिए बनाई गई शाफ्ट जो दो या फिर तीन तरफ से दीवारों से ढकी हुई हों, कवर्ड एरिया में शामिल की जाती हैं। जैसे वाटर सप्लाई, इलेक्ट्रिकल सप्लाई, लिफ्ट आदि के लिए बनाई गई शाफ्ट, जैसा इस नक्शे में दिखाया गया है। वेंटिलेशन या फिर खुली जगह छोड़ने इत्यादि के लिए छोड़ी गई शाफ्ट या खुली जगह एरिया में शामिल नहीं की जाती हैं। ऐसा ही एक चित्र यहाँ आपसे साझा किया जा रहा है। यहाँ यह बताता चलूं कि अगर किन्हीं दो घरों के बीच की दीवार एक ही हो, कहने का मतलब है कि दो अलग अलग घरों की अपनी अलग अलग दीवार न होकर उन्हें अलग अलग करने वाली बीच की दीवार एक ही हो, तो ऐसे में उस दीवार का आधा आधा एरिया दोनों घरों के एरिया में जुड़ता है। ऐसा ही एक उदाहरण लिए यह चित्र आपसे साझा कर रहा हूं। अब बात करते हैं ओपन एरियाज पर। ओपन एरिया, जैसा कि नाम से ही साफ हो जाता है, ओपन एरिया यानी कि खुला हुआ एरिया, ऐसा एरिया जो चारों तरफ से ढका हुआ न हो, जैसे बालकनी इत्यादि। ऐसा ही एक चित्र आपकी सुविधा के लिए यहाँ साझा कर रहे हैं।
यहाँ यह जानना जरूरी हो जाता है कि बिल्ट अप एरिया में किस बालकनी का एरिया पूरा और किस बालकनी का एरिया आधा शामिल करते हैं। दोस्तों, ऐसी बालकनी जिसके ऊपर छत हो, यानी कि जो बालकनी ऊपर से छत से पूरी तरह ढकी हुई हो, पूरा एरिया बिल्ट अप एरिया में शामिल होता है। और जो बालकनी ऊपर से ढकी हुई ना हो, यानी कि ऊपर खुला हुआ हो, ऐसी बालकनी का आधा एरिया ही बिल्ट अप एरिया में शामिल किया जाता है, जैसा आप इस नक्शे में देख पा रहे होंगे। दोस्तों, यहाँ एक बात बताता चलूं कि घर की बाहरी दीवार से भी बाहर की ओर निकले हुए कुछ हिस्से, जैसे सनशेड या फिर कोई ओपन प्लेटफॉर्म और इनके जैसी अन्य किसी चीज का एरिया बिल्ट अप एरिया में शामिल नहीं होता है, जैसा आप इस नक्शे में देख पा रहे होंगे। इस प्रकार ऊपर बताई गई सभी चीजों का एरिया अगर जोड़ देते हैं तो उसे बिल्ट अप एरिया कहा जाएगा। अब बात करते हैं कारपेट एरिया पर। दोस्तों, कारपेट एरिया निकालने के लिए ऊपर निकाले गए बिल्ट अप एरिया में से दीवारों से घिरा हुआ एरिया, कॉमन एरिया, सर्विसेज एरिया, शाफ्ट इत्यादि का एरिया, सीढ़ियों या जीने का एरिया, टॉयलेट, किचन, स्टोर या अन्य किसी भी ऐसी चीज का एरिया हटाया जाएगा जिसे घर के सदस्यों द्वारा बैठने, आराम करने, सोने या फिर इंतजार कक्ष सरीखे अन्य किसी भी काम में नहीं लाया जा सकता है। तो दोस्तों, इस वीडियो को यही समाप्त करते हैं। वीडियो कैसी लगी नीचे कमेंट करके अपनी राय से जरूर अवगत कराएं। वीडियो पसंद आई हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों को शेयर करना मत भूलना। तो फिर मिलेंगे किसी नए टॉपिक और नई वीडियो के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखें और सुरक्षित रहें। धन्यवाद।